हेलो हाय एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एचसीएस टेस्ट सीरीज की क्वेश्चंस तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ आपसे पूछा गया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आपको गिवन स्टेटमेंट्स देखनी है तो देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है यहाँ पूछा गया है आर्यन फर्स्ट सेटल इन इंडिया इन सप्त सप्त और लैंड ऑफ सेवन रिवर जो आर्यस थे वो सबसे पहले भारत में सप्त सिंधु अथवा सात नदियों की भूमि पर बसे थे तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी सही हो जाएगी नेक्स्ट है इट इज बिलीव्ड दैट आर्यंस ओरिजिनली केम फ्रॉम यूरेशिया ये माना जाता है कि आर्यंस जो है वो ओरिजिनली यूरेशिया से आए थे तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है थर्ड है द टर्म शुद्रा इज मैंशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द फर्स्ट मंडल ऑफ रिग्वेदा कि जो टर्म शुद्रा है वो मेंशन था फर्स्ट टाइम जो है वो मेंशन था फर्स्ट मंडल ऑफ ऋग्वेदा में ये स्टेटमेंट रोंग हो जाएगी क्योंकि ये फर्स्ट मंडल में नहीं था ऋग्वेदा की ये टेंथ मंडल में, में मेंशन है शुद्रा तो थर्ड स्टेटमेंट रोंग हो जाएगी आपसे पूछा गया है अबाउट स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट कोरेक्ट है तो सही हो जाएगा वन एंड टू बी इज द राइट आंसर इसके एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं आर्यन जो आ, जो आर्यन थे से वो सेटल हुए थे सप्त तो सिंधु रीजन में जिसे सेवन रीजन रिवर्स भी बोला जाता है लैंड ऑफ सेवन रिवर तो वो सात नदियां भी हम देख लेते हैं कौन कौन सी से सेवन रिवर है तो ईस्ट में थी सरस्वती रिवर वेस्ट में इंडस रिवर और इसके बीच में फाइव अदर रिवर वो है सतलुज रिवर ब्यास चिनाब रवि और झेलम इनके पुराने नाम भी हमें पता होने चाहिए जो वैदिक टाइम में नेम्स थे जो आर्यन टाइम पे इनके नेम थे वो थे सरस्वती को सरस्वती बोलते थे सिंधु को इंड इंडस रिवर को सिंधु रिवर बोलते थे सतलुज को बोलते थे व्यास को बोलते थे विपाशा चेनाब को अक्षिनी अश्किनी और रावी को बोलते थे पारुषिनी और झेलम रिवर को वितास्ता रिवर ओके ये मैच तो में पूछे जा सकते हैं तो आपको इनके ओल्ड नेम भी पता होने चाहिए सेकेंड स्टेटमेंट हम देखते हैं सेकेंड बिल्कुल सही थी आर्यन जो है वो ओरिजिनली आए थे यूरेशिया से थर्ड स्टेटमेंट इसलिए रॉन्ग हो जाती है क्योंकि यहाँ पे टेंथ मंडल की जगह फर्स्ट मंडल वहां पे मेंशन था मूव टू द नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन में पूछा गया है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है फर्स्ट स्टेटमेंट है बैटल ऑफ हाइड स्पेस वो फाउट बिटवीन अलेक्जेंडर एंड अम्बी जो हाइड स्पेस की बैटल हुई थी वो अलेक्जेंडर और अम्बी के बीच में हुई थी तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी ये हुई थी एलेक्जेंडर द ग्रेट और पोरुस के बीच में पोरुस के बीच में ये हुई थी अम्बी नहीं थे तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी सेकंड है अलेक्जेंडर कॉनक्योर्ड होल ऑफ प्रशिया बाय डिफीटिंग डेरियस थ्री इन द बैटल ऑफ एरावेला यहाँ पे थ्री फैक्ट है आपको तीनों ही चेक करनी है फर्स्ट है कि उन्होंने पूरे प्रशिया को जो है कॉन्कर किया था किसको हराकर डेरियस थ्री को हराकर बैटल कौन सी थी एराबेला थी तो तीनों ही फैक्ट बिल्कुल सही है को जो है कनकर किया था एलेक्सेंडर ने किसको हराकर डेरियस डेरियस को हराकर और कौन सी बैटल में बैटल ऑफ में थर्ड स्टेटमेंट है गिव एन एम्पेटस टू इंडो एराबेन कॉमर्स एंड ट्रेड मतलब ईरानी ईरानियों ने जब आक्रमण किया था उसके बाद ईरान एवं भारत में व्यापारिक संबंध जो है वो और मजबूत हुए थे तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है ट्रेड जो है वो फ्लरिश हुआ था उसके बाद इंडिया और ईरान के बीच में और पूछा गया है अबाउट स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट कोरेक्ट है तो सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है सी इसका सही आंसर हो जाएगा इसके एक्सप्लेनेशन भी हम देख लेते हैं जो बैटल ऑफ आय स्पेस हुई थी वो किस किस के बीच में हुई थी वो हुई थी अलेक्जेंडर द ग्रेट और किंग पौरुष के बीच में तो किंग पौरुष जो है वो कहाँ के थे पूर्व किंगडम के थे और ये बैटल कहाँ पे हुई थी ऑन द बैंक ऑफ झेलम रिवर झेलम रिवर के किनारे पे हुई थी पंजाब रीजन में इंडियन सब के और कब हुई थी 326 सौ में यह हुई थी और इस बैटल का रिजल्ट क्या रहा था बैटल का रिजल्ट रहा था ग्रीक की विक्ट्री हुई थी एलेक्जेंडर द ग्रेट जो है वो ग्रीक की तरफ से थे और सरेंडर कर दिया था पौरुष ने सेकेंड स्टेटमेंट थी अलेक्जेंडर ने कौन कर किया था होल ऑफ रशिया को बाय डिफीटिंग गैरस्ट्री इन द बैटल ऑफ एराबेला एराबेला भी बोला जाता है उसे मेला भी बोला जाता है तो आपको दोनों ही टर्म याद रखनी है थर्ड स्टेटमेंट थी ईरान की इन्वेजन के बाद जो है ट्रेड बढ़ा था इंडो ईरानियन कॉमर्स कॉमर्स ट्रेड जो है वो इंक्रीज हुआ था तो ये स्टेटमेंट भी सही थी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट में पूछा गया है ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर पूछी गई है राजा सवय जयसिंग वो राजपूत रूलर वो राजपूत रूलर थे किंगडम ऑफ अम्बेर से वो थे तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है सेकेंड है राजा सवाई जयसिंह जो है वो गिवन टाइटल ऑफ सवाई उनको सवाई का टाइटल जो है वो मिला था एट द एज ऑफ इलेवन जब वो ग्यारह वर्ष के थे और किसके द्वारा दिया गया था बाय द मुगल एम्प्रंगजेब औरंगजेब औरंगजेब के द्वारा दिया गया था इन द ईयर सिक्सटीन हंड्रेड नाइनटी नाइन यहाँ पे काफी सारे इफेक्ट हैं इस क्वेश्चन है के अंदर फर्स्ट को सवाई का टाइटल दिया गया था ये बिल्कुल सही है जब वो ग्यारह वर्ष के थे तब दिया गया था ये भी सही है और मुगल एम्प्रर औरंगजेब ने यह दिया था ये स्टेटमेंट भी सही है 1699 में दिया गया था यह भी सही है तो सेकेंड जो है स्टेटमेंट आपकी हो जाएगी कोरेक्ट थर्ड है राजा सवाई जयसिंह फाउंडेड द सिटी ऑफ जयपुर इन्होंने सिटी ऑफ जयपुर की फाउंडेशन की थी इन द टेरिटरी टेकन फ्रॉम जार्ड्स तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है तो कोरेक्ट यहाँ पूछा है अबाउट स्टेटमेंट में से सही स्टेटमेंट कौन सी है तो तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है डी इसका सही आंसर हो जाएगा इसके एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में सेम मेंशन है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट में पूछा गया है कट, कटक मुखा हस्त इज द फ्यूचर ऑफ विच इंडियन क्लासिकल डांस कटक मुख हस्त अब पूछा गया है भारतीय शास्त्रीय नृत्य की कौन सी नृत्य का फीचर है ये ऑप्शन है कुचिपुड़ी कथकली भारतनाट्यम और नन ऑफ द अबाव हाँ जी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा कटक मुख हस्ता जो है वो कौन से इंडियन क्लासिकल डांस का फीचर है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये फीचर है भारतनाट्यम का राइट आंसर भारतनाट्यम इसके एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं कटक मुख हस्ता इज मुद्रा ऑफ भारतनाट्यम डांस जो रिप्रेजेंट करती है ओम ये हस्त मुद्रा जो है भारतनाट्यम नृत्य की है ओम को ये रिप्रेजेंट करती है भारतनाट्यम में जो है बहुत सारी ऐसी मुद्राएं हैं है। और यहाँ पे स्पेशल okay, विद है प्रीवियस क्वेश्चंस में भी मैंने इस टेम्पल के बारे में कराया था वहां मैंने पूछा था कि किस रूलर ने इसे बनाया है यहाँ पूछा गया है कौन से स्टेट में आता है ये बृंदेश्वरा टेम्पल ऑप्शन तमिलनाडु कर्नाटका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना यदि आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा ये कहाँ पे आता है ये आता है तंजावुर तमिलनाडु में ये इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु में ये आता है इसके बारे में हम डिटेल में देख लेते हैं बृंदेश्वर टेम्पल जो है वो शिव टेम्पल है थंजावुर में आता है बनाया गया है राजा राजा वन के द्वारा इसलिए इस टेम्पल को राजेश्वरा टेम्पल भी बोलते हैं और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में भी आता है ना नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हिमालयातपुरा और ईस्टर्न घाट तो इसको सही आंसर हो जाएगा इस्टरन इस्टरन जो है वो फॉर्म नहीं करता है वोटर डिवाइड अरावली फॉर्म करता है हिमालया पर फॉर्म जो है वो फॉर्म करते हैं वोटर डिवाइड को पूरा भी करता है यहाँ घाट की जगह आना था वेस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट जो है वो फॉर्म करते हैं डिवाइड ये फोर जो है है मेन जो वोटर डिवाइड फॉर्म करते हैं ईस्टर्न घाट नहीं होगा तो सही आंसर है डी इसके एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं इंडिया में फोर मेन मेन जो है वोटर डिवाइड्स हैं वो है अरावली अरावली जो है वो वोटर डिवाइड करता है लूनी रिवर का हिमालया जो है वो वोटर डिवाइड की तरह फंक्शन करते हैं इंडस रिवर के लिए सतपुरा और विंध्यास जो है वो वोटर डिवाइड है फॉर नर्मदा और तापी वेस्टर्न घाट जो है वो वोटर डिवाइड है फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है क्रॉप रोटेशन इज असेंशियल फॉर क्रॉप रोटेशन किस लिए जरूरी है ऑप्शंस आर इंक्रीजिंग फर्टिलिटी ऑफ द सॉयल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए इनक्रीजिंग क्वालिटी ऑफ द प्रोटीन प्रोटीन की क्वालिटी बढ़ाने के लिए गेटिंग डिफरेंट इसका सही आंसर हो जाएगा क्रॉप रोटेशन इसलिए जरूरी है ताकि भूमि की जो है फर्टिलिटी इंक्रीज की जा सके ए इसका सही आंसर होगा इंक्रीजिंग फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इज द राइट आंसर इसके बारे में भी हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं तोइंग द सेम क्रॉप लेट टू द एग्जोशन ऑफ द सर्टेन न्यूट्रिय इन soil, मेकिंग इट इनफर्टाइल मतलब यदि हम बार बार सेम ही क्रॉप को उगाएंगे तो क्या होगा कुछ जो न्यूट्रियट्स है वो खत्म हो जाएंगे क्योंकि सेम फसल जो है सेम ही न्यूट्रिय जो है सॉयल से लेगी तो सॉयल इनफर्टाइल हो जाएगी उन न्यूट्रिय की कमी हो जाएगी लेकिन अगर क्रॉप रोटेशन करते रहेंगे क्रॉप रोटेशन में क्या होगा डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप जो है डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिय लेगी तो वो सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहेगी कंजर्व करेगा वो सॉइल की फर्टिलिटी को क्योंकि डिफरेंट क्रॉप्स को जो है डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं सॉइल से इसलिए क्रॉप रोटेशन जो है काफी इंपॉर्टेंट रहता है सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट हैज चीर एज आर डोमिनेंट स्पीसीज बताइए चीर चीर जो है वो कौन से फॉरेस्ट की डोमिनेंट स्पीसीज है ऑप्शन आर सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट पाइन फॉरेस्ट

endangered species हैं vulnerable हैं rare हैं या फिर normal species हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये आती हैं endangered species में IUCN की लिस्ट में एशिएटिक एलिफेंट और गैंगेटिक डॉल्फिन जो है वो endangered species की लिस्ट में आती हैं ये इसका सही आंसर हो जाएगा नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट में पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज नॉट अ फेरस मिनरल निम्नलिखित में से कौन सा खनिज जो है एक लोह खनिज नहीं है ऑप्शन आर मैग्नीज निकल कॉपर कोवोल्ट इसका सही आंसर हो जाएगा कॉपर कॉपर जो है ये फेरस मिनरल नहीं है ये नॉन फेरस है कॉपर इज अ नॉन फेरस अब हम देख लेते हैं फेरस में और नॉन फेरस में क्या डिफरेंस होता है फेरस मिनरल्स जो होते हैं वो मैग्नेटिक होते हैं दीज मिनरल्स आर मैग्नेटिक ऑन द अदर हैंड जो नॉन फेरस होते हैं वो नॉन मैग्नेटिक होते हैं फेरस मिनरल्स में वेट जो है वो ज्यादा होता है नॉन में वेट जो है वो कम होता है एग्जांपल्स हम देख लेते हैं फेरस मिनरल का एग्जाम्पल है आयरन और मैग्नीज़, निकल कोबोल्ट एटसेट्रा और नॉन फेरस मिनरल का एग्जाम्पल है गोल्ड सिल्वर कॉपर लेड बॉक्साइट तीन एट्सेट्रा ये सब नॉन फेरस मिनरल्स के एग्जाम्पल है मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज आर कनेक्टेड बाय एशिया फर्स्ट क्रॉस कंट्री पाइपलाइन कंस्ट्रक्टेड बाय ओआईएल ओआईएल है ऑयल इंडिया लिमिटेड ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा पहली जो है पाइपलाइन पूछी गई है एशिया की फर्स्ट क्रॉस कंट्री पाइपलाइन थी ये जो कंस्ट्रक्ट की गई थी ओ के द्वारा तो बताइए ये किसकी बात हो रही है ऑप्शन आर नहर काटिया से बरूनी नहर काटिया से मथुरा और मथुरा और कलकत्ता या फिर मथुरा और बरूनी तो इसका सही आंसर है नाहर काटिया एंड बरूनी इसका सही आंसर होगा नाहर काटिया असम में है बरूनी जो है वो बिहार में है तो ये असम से बिहार तक पाइपलाइन है इसके बारे में भी हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं एशिया की फर्स्ट क्रॉस कंट्री पाइपलाइन है ये जो कवर करती है डिस्टेंस ऑफ वन थाउजेंड वन हंड्रेड फिफ्टी सेवन किलोमीटर का एंड इसे कंस्ट्रक्ट किया गया था ओ के द्वारा फ्रॉम नाहर काटिया ऑयल फील्ड इन असम टू बरूनी रिफाइनरी इन बिहार उसके बाद हम बात करते हैं सिक्स मेजर पाइपलाइन की जो इंडिया की सिक्स मेजर पाइपलाइन है वो है नाहर काटिया नूनमती बरूनी पाइपलाइन सेकेंड है मुंबई हाई मुंबई अंकलेश्वर कयोली पाइपलाइन देन नेक्स्ट है सालिया कोयली मथुरा पाइपलाइन एंड देन हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन जामनगर लोनी एलपीजी पाइपलाइन एंड कांडला भटिंडा पाइपलाइन यदि आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि लार्जेस्ट ऑयल पाइपलाइन इन इंडिया कौन सी है तो वो हो जाएगी कांडला भटिंडा पाइपलाइन यहाँ आप देख सकते हैं कांडला भटिंडा ऑयल पाइपलाइन जो है वो स्टार्ट हुई थी 1993 में एंड इसे कमीशन किया गया था 1996 में और ये लार्जेस्ट ऑयल पाइपलाइन है इंडिया में नामुक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील इन द वर्ल्ड वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्टील प्रोड्यूस करने वाली कंट्री कौन सी है ऑप्शन चाइना रशिया और जपैन इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे ज्यादा स्टील जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है चाइना के द्वारा सबसे ज्यादा प्रोड्यूस भी चाइना करती है और लार्जेस्ट कंज्यूमर भी चाइना ही है प्रोड्यूसर भी चाइना है और कंज्यूमर भी चाइना है और सेकंड पे आप बताएंगे

एनिमोमीटर तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ ए इज द राइट आंसर बाकी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी हम देख लेते हैं बैरोमीटर क्या मेजर करता है? Aometer, ये सब क्या करते है वो हम एक्सप्लेनेशन में देखते हैं सिस्मोग्राफ का हमने ऑलरेडी देखा है सिस्मोग्राफ वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो रिकॉर्ड करता है वेव रीचिंग द सर्फेस एंड देन बैरोमीटर बैरोमीटर जो है ये एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है इसका यूज किया जाता है मेजर करने के लिए एयर प्रेशर एयर प्रेशर मेजर करने के लिए होता है बैरोमीटर और वेव्स को रिकॉर्ड करने के लिए होता है सिस्मोग्राफ एमीटर जो है वो करंट को मेजर करने के लिए होता है एंड एमिनोमीटर जो है वो use, वो यूज डिवाइस होता है जो है जो मेजर करता विंड की स्पीड को और डायरेक्शन को तो आपको ये चारों ही ध्यान रखने हैं मैच भी पूछे जा सकते हैं नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका स्टेटमेंट बेस्ड है यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग द

जो इन्होंने रिकमेंडेशन दी है वो वैलिड रहेंगी 2019-20 के लिए तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है ये जो है वैलिड होंगी फ्रॉम टू स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है थर्ड है इट विल रिकमेंड मेजर टू सप्लीमेंट रिसोर्सिस ऑफ पंचायत एंड म्युनिसपालिटीज इन द स्टेट इन्होंने रिकमेंड किया है कि रिसोर्सेज सप्लीमेंट किए जाएं पंचायत और म्यूनिस्पैलिटीज के लिए स्टेट के अंदर तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और आपसे पूछा ही गया है ट्रू बताइए आप इनके रिगार्डिंग तो सही हो जाएगा वन एंड थ्री बी इज द राइट आंसर इसके एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में सेम ही मेंशन है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि फिफ्टीन फाइनेंस कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की गई है रिकमेंडेशन जो है इसकी वैलिड रहेगी दो से दो में और बाकी रिकमेंडेशन इनकी दोनों वो करेक्ट है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की है कंसिडरेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट एंड मेजर ऑफ ऑगमेंट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट टू सप्लीमेंट कि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट है उसका यूज किया जाए सप्लीमेंट करने के लिए रिसोर्सेज ऑफ पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज इन द स्टेट नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेफरेंस ऑफ डायरेक्ट टैक्स कोड डायरेक्ट टैक्स कोड के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दी गई है तो देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट है इट सीक टू कंसोलिडेट द लॉ रिलेटिंग टू ऑल डायरेक्ट टैक्सेस ये जो है क्या है uh, सभी डायरेक्ट ऑल डायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड जो है लॉ उनको कंसोलिडेट करता है ये स्टेटमेंट जो है क्या है बिल्कुल सही स्टेटमेंट है सेकंड है लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एग्जाम यहाँ पे क्या है कि जो भी लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा उनको इनकम टैक्स से एग्जम्पन मिलेगा तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी लॉन्ग टर्म को जो है कम्प्लीट uh, uh, जो है एग्जाम्शन है बट शॉर्ट टर्म का हाफ जो है वो पे करना होता है हाफ ऑफ टैक्स जो है वो पे करना होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे लॉन्ग टर्म पे नहीं करना होता है तो सेकेंड स्टेटमेंट रोंग हो जाएगी थर्ड है टैक्स एग्जम्पन ऑन एजुकेशन लोन एन एंड रिटायरमेंट बेनिफिट ये स्टेटमेंट सही है तो यहाँ पूछा गया है कि कोरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है कोरेक्ट हो जाएंगे वन एंड थ्री बी इसका सही आंसर हो जाएगा इसके एक्सप्लेनेशन भी हम देख लेते हैं डायरेक्ट टैक्स कोड जो है वो क्या करता है सीक टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटेड टू ओल्ड डायरेक्ट टैक्सेस तो फर्स्ट स्टेटमेंट यही थी कि सभी डायरेक्ट uh, टैक्सेस के रिगार्डिंग जो है ये क्या करता है कंसोलिडेट करता है लॉ को और अमेंड करता है फर्स्ट so स्टेटमेंट सही है सेकंड है अकॉर्डिंग टू इट ओनली हाफ ऑफ द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन विल बी और स्टेटमेंट में था कि पूरी तरीके से एक्जन होगी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे भी और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे भी जो रॉन्ग हो जाता है क्योंकि जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उस पर जो है हाफ जो है टैक्स पे करना होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे कंप्लीट एग्जाम्शन होती है तो so सेकेंड हो जाती थी रॉन्ग एंड थर्ड सेम ही है मैं कोई टैक्स नहीं होगा एजुकेशन लोन पे पी एफ पे एन पी एस पे रिटायरमेंट बेनिफिट पे प्योर लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट और एन्यूटी स्कीम के ऊपर जो है कोई टैक्स नहीं होगा तो थर्ड स्टेटमेंट भी correct हो जाती है नैक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मल्टी स्टेज टैक्स इनमें से कौन सा जो है मल्टी स्टेज टैक्स नहीं है इज नॉट अ मल्टी स्टेज टैक्स ऑप्शन आर गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स सर्विस टैक्स वैल्यू एडेड टैक्स और बोथ बी एंड सी हाँ जी बताइए इसका इसका सही सही आंसर आंसर क्या होगा इसका सही आंसर है सर्विस टैक्स बी इसका सही आंसर होगा सर्विस टैक्स जो है वो मल्टी स्टेज टैक्स नहीं है बाकी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो मल्टी स्टेज टैक्स होते हैं अब हम देख लेते हैं कि मल्टी स्टेज टैक्स का मतलब क्या है वो एक्सप्लेनेशन के थ्रू हम देखते हैं दोनों ही बहुत वैल्यू एडेड टैक्स और जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ये जो है मल्टी स्टेज टैक्स है इनडायरेक्ट टैक्स चार्ज ऑन द सेम प्रोडक्ट किसी सेम प्रोडक्ट के ऊपर जो है इनडायरेक्ट चार्जेस जो है लगाए जाते हैं सक्सेसिव स्टेज ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन पे उसे मल्टी स्टेज टैक्स बोला जाता है अब आप मुझे ये भी बताएंगे कि जो सर्विस टैक्स है वो डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है डायरेक्ट है या फिर इनडायरेक्ट है ओके और यहाँ आपको समझ आ ही गया होगा मल्टी स्टेज टैक्स किसे बोलते हैं मल्टी स्टेज टैक्स उस इनडायरेक्ट टैक्स को बोलते हैं जो चार्ज किया जाता है सेम गुड्स पे दोबारा सक्सेसिव स्टेजेस पे प्रोडक्शन के और डिस्ट्रीब्यूशन के सक्सेसिव स्टेजेस पे जो बार बार चार्ज किया जाता है वो मल्टी स्टेज टैक्स होता है ओके नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट में पूछा गया है विज ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट निम्नलिखित में से कौन मुद्रा बाजार के साधन नहीं है मनी मार्केट के बारे में मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी आपको बताया है तो आप मुझे बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा फिर मैं आपको दोबारा बताऊंगी कि मनी मार्केट क्या है पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं कोल मनी ट्रेजरी बिल सर्टिफिकेट ऑफ डिपोजिट और इक्विटी तो इसका सही आंसर हो जाएगा नोट पूजा है कौन तो सा नहीं है मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट तो सही आंसर है इक्विटी बाकी ये तीनों कॉल मनी ट्रेजरी बिल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है वो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है अब हम बात करते हैं मनी मार्केट होता क्या है मनी मार्केट होता है वन ईयर और लेस देन जहां पे मेच्योरिटी पीरियड जो है लेस देन वन ईयर और वन ईयर होता है एक साल या एक साल से कम का मेच्योरिटी पीरियड होता है उस मार्केट को मनी मार्केट बोलते हैं और जहां पे मोर देन वन ईयर होता है वो होता है कैपिटल मार्केट कैपिटल मार्केट तो कॉल मनी कॉल मनी के बारे में भी मैंने आपको बताया था एक से चौदह दिन के लिए जो आ, इंटर बैंक ही इसमें लैंड करते हैं तो और एक से चौदह दिन के लिए होता है कॉल मनी ऑन डिमांड ये रहता है ऑन डिमांड फुलफिल करना होता है और विद इन वन डे अगर रहता है तो कॉल मनी बोलते हैं यदि उससे ऊपर चला जाता है तो उसे नोटिस पीरियड बोलते हैं नोटिस मनी ओके ट्रेजरी बिल के मेच्योरिटी पीरियड जो है वो एक साल तक का होता है वन ईयर सेम सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के साथ भी है बट इक्विटी जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है ये कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है कैपिटल मार्केट कैपिटल मार्केट कैपिटल का मतलब ही होता है लॉन्ग टर्म जब मैंने आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में भी बताया था तो वो भी क्या था लॉन्ग टर्म के लिए था कैपिटल वर्ड आप देखेंगे तो उससे आप रिलेट uh, कर लेना लॉन्ग टर्म के साथ ओके मनी मार्केट जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है मैक्सिमम वन ईयर के लिए कैपिटल मार्केट जो है वो मोर देन वन ईयर के लिए होता है एक्सप्लेनेशन हम इसकी देख लेते हैं कॉल मनी ट्रेजरी बिल कॉमर्शियल बैंक एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपोजिट ये सब इंस्ट्रूमेंट है मनी मार्केट के और मनी मार्केट क्या है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है मनी मार्केट जहां पे मेच्योरिटी पीरियड जो है वो लेस देन वन ईयर होता है और वन ईयर होता है एंड देन इक्विटीज प्रेफरेंस ऑफ शेयर डिबेंचर बॉन्ड्स डिपोजिटरी रिसिप्ट डेरिवेटिव ये सब इंस्ट्रूमेंट है कैपिटल मार्केट के

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का है सेंसेक्स सेंसेक्स जो है टॉप थर्टी करता है निफ्टी जो है टॉप फिफ्टी करता है मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग देखते हैं next में पूछा गया है विच आर्टिकल डील विद द ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट द दर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल में मेंशन है कि ये प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है इंफॉर्मेशन देना प्रेसिडेंट को ऑप्शंस आर आर्टिकल 74 75 77 और आर्टिकल 78 तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 78 में ये मेंशन है इसकी एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं आर्टिकल 74 जो है वो किस बारे में बात करता है आर्टिकल 74 जो है वो डील करता है विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू इड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट यहां पे है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की ड्यूटी है एड और एडवाइस देना प्रेसिडेंट को 74 इसके साथ डील करता है आर्टिकल 75 में क्या मेंशन है आर्टिकल 75 कॉन्स्टिट्यूशन का डील करता है विद अदर प्रोविजन एज द मिनिस्टर ओके 77 डील करता है विद द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आर्टिकल 78 कॉन्स्टिट्यूशन का डील करता है विद द ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट फॉरनिशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट यहां पे आर्टिकल 74 और 78 जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है के क्या है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो करती है है वो करती प्रेसिडेंट को में कि ड्यूटी होती है प्राइम मिनिस्टर की इंफॉर्मेशन देना प्रेसिडेंट को तो ये दोनों तो आपको याद रखने ही है पूछे जा सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं नेक्स्ट में पूछा गया है बाय इलेक्शन क्या होता है उपचुनाव क्या है ऑप्शन आर एन इलेक्शन हेल्ड टू फिल रेजिग्नेशन ऑफ अ मेंबर वैकेंसी फुल करने के लिए ये होता है यदि किसी ने रिजाइन दे दिया हो किसी मेंबर ने तो वो वैकेंसी वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी उस को फिल करने के लिए बाय इलेक्शन होता है सेकंड है वैकेंसी uh, फिल करने के लिए बाय डेथ डेथ जो death से वैकेंसी होती है या फिर वैकेंसी जो होती है डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर से तब ये इलेक्शन कराया जाता है और ऑल ऑफ द अबाव या फिर सभी इसमें सही होंगे तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबाव

क्योंकि ये तो नॉर्मल ही है यहाँ पे तो नॉर्मल इलेक्शन होंगे रिटायरमेंट होना अपने टर्म कंप्लीट करने के बाद वो ऑफिस छोड़ते हैं तब तो नॉर्मल इलेक्शन होंगे तब इलेक्शन की तो जरूरत ही नहीं होगी नाउ मूव टू द नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट में पूछा गया है वेन देयर इज अ लैक ऑफ कोरम ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू कंटिन्यू एनी सेशन इन द कोर्ट अ जज ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नोन एज यहां पे पूछा गया है कि यदि कोरम की कमी हो कोरम क्या होता है पहले तो यही पता होना चाहिए कोरम होता है कि मिनिमम नंबर ऑफ मिनिमम लोग जो होने चाहिए उसको ऑफिशियल बनाने के लिए फॉर एग्जाम्पल मिनिमम टेन जजेस होने चाहिए बट है वहां पे नाइन तो वहां पे क्या होगा एक की कमी है उस सेशन को कंटिन्यू करने में तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हाई कोर्ट के किसी जज को जो है अपॉइंट कर सकते हैं तो यहाँ पूछा गया है उस जज को क्या बोला जाएगा जो हाई कोर्ट का जज अपॉइंट किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा उसे बोला जाएगा एक्टिंग जज एडवोकेट ज्यूरिस्ट और जज तो इसका सही आंसर हो जाएगा उन्हें बोला जाएगा एन एडवोक जज डी इसका सही आंसर होगा इसकी एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं और ये कौन से आर्टिकल में है? ये मेंशन है अंडर आर्टिकल 127 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये पावर दी गई है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कि वो अपॉइंट कर सकते हैं जज ऑफ हाई कोर्ट एज एन एडवोक जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट व्हेन देयर इज लैक ऑफ कोरम जब वहां पे कोरम की कमी होती है लैक ऑफ कोरम ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू होल्ड और कंटिन्यू एनी सेशन ऑफ द कोर्ट आई होप आपको क्लैरिटी हो गई होगी तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट में पूछा गया है व्हाट इज द मिनिमम एज टू बी अपॉइंटेड एज चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट स्टेट के चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करने के लिए मिनिमम कितनी एज होनी चाहिए ऑप्शंस आर थर्टी थर्टी फाइव ट्वेंटी फाइव और फोर्टी फाइव तो इसका सही आंसर है मिनिमम एज होनी चाहिए ट्वेंटी फाइव सी इसका सही आंसर हो जाएगा नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है विच एक्ट डेजिग्नेटेड गवर्नर ऑफ बेंगोल एज गवर्नर जनरल ऑफ बेंगोल ऑप्शंस आर चार्टर एक्ट ऑफ 1853, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, पिट इंडिया एक्ट एक्ट और रेगुलेटिंग ऑफ 1773 तो इसका सही आंसर क्या होगा कौन से एक्ट के तहत गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था तो सही आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे वो थे वॉरन हॉन्स्टिंग और आप मुझे बताएंगे फर्स्ट वॉइस रॉय कौन थे फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया तो वो थे वो आप बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं नेक्स्ट में पूछा गया है आपसे फॉर्मेशन ऑफ मिराज इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन विच टेक प्लेस ड्यू टू बताइए जो मृग तृष्णा का निर्माण होता है वो एक प्रकाश्य भ्रम है जो होता है किस वजह से होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डिस्पर्शन ऑफ लाइट इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और स्कैटरिंग ऑफ लाइट ये होता है इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से इसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं ये आप ऑप्टिकल इल्यूजन से भी समझ सकते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन जो है वो किस वजह से होता है इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जिसे इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी बोलते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज अ फिनोमिना जो होता है किस वजह से जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो ग्रेटर होता है देन द क्रिटिकल एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस तब ये होता है इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि जो चमक होती है डायमंड्स के अंदर स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड एंड फॉर्मेशन ऑफ मिराज ये किस वजह से होता है ये होते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पूछा गया है फॉलोइंग following कैन बी यूज इन डिटेक्टिंग काउंटर counterfeit नोट निम्नलिखित में से कौन सी किरणों का प्रयोग नकली नोटों का पता लगाने के लिए किया जाता है ऑप्शन रेज, रेज, रेज और नन ऑफ द अभाव तो इसका सही आंसर है यूवी रेज का यूज किया जाता है पता लगाने के लिए काउंटर currencies करेंसी काउंटर फिट नोट का पता लगाने के लिए यूवी रेज का यूज होता है यहाँ आप एक्सप्लेनेशन में भी देख सकते हैं यूवी रेज आर यूज इन डिटेक्टिंग काउंटर फीट नोट एंड ऑल्सो यूज इन सन टैनिंग और स्टेलाइजिंग द मेडिकल इक्विपमेंट आज के लिए इतना ही आई होप यू लाइक द वीडियो थैंक यू वेरी मच बाय बाय एंड टेक केयर